तो गाइस देखो वीडियो को, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कहता है हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो लेके। तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले यार, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली और जितने भी जो लोग हैं यार, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो भाई उतना वीडियो को शेयर करो। तो वीडियो के नीचे कमेंट भी करो कैसा है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा नहीं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, आज का हमारा व्लॉग भी मंदिर पे होने वाला है, जो कि हमारे मंदिर का नाम है वृंदावन मंदिर। तो देखो गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा नहीं मेरा। तो अपना भी फर्स्ट टाइम है, बट जब हम छोटे छोटे होते थे भाई तब आया करते थे, वो भी अपने जंगलों से निकलकर। तो अब देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होया हुआ मंदिर में। तो देखो पूरा वीडियो को करो एंजॉय, वीडियो को शुरू से लगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखो कैसा रहता है कैसा नहीं एक्सपीरियंस मेरा। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने वृंदावन मंदिर। तो अभी तक तो हम बाहर खड़े हैं, तो देखते हैं आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो देखो गाइस कैसा रहता है एक्सपीरियंस कैसा नहीं। तो चलो अंदर चलते हैं अभी। अपने वृंदावन अंदर का व्यू, तो अब आपको दिखाते हैं कुछ बाहर का व्यू। तो देखो कैसा है कैसा नहीं, बने रहो वीडियो में, काफी ज्यादा मजा आएगा। जहाँ पे चला हुआ है अपना काम, कुछ रिपेयर हो रही है, काम चला हुआ है भाई। तो भाई जो आप मेरे पीछे का मंदिर देख रहे हो, तो भाई ये है शेषनाग मंदिर। तो सबसे पहले तुम मंदिर को देखो, उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मंदिर को देखो। गाइस आप देख रहे हो ना कि इनसाइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है मंदिर। तो गाइस इसकी हिस्ट्री पता है क्या, आपको बताता हूँ। देखो गाइस जहाँ पे लिखा हुआ है अपना, जो वीडियो को पॉज करके देखना, जहाँ पे लिखा हुआ है भाई सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इस मंदिर का ये इतिहास है कि यार जो दो हिस्सों में बटा है ना, तो भाई इस मंदिर का ये इतिहास है कि काफ़ी समय लंबी पुरानी बात है कि यार कहते थे कि एक औरत आई थी और एक छोटे बच्चे को, उसका बच्चा था, वो खेलता खेलता भाई तालाब में गिर गया था। जो पीछे मेरे तालाब देख रहे हो भाई, इसमें गिर गया था। उस समय शेषनाग प्रकट हुए और पानी में गए, पूरे तालाब को भाई सुखा दिया भाई, ऐसा कुछ कहते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो पूरे तालाब को सुखा दिया भाई, अभी तक भी देख रहे हो गाइस पूरा तालाब सूखा हुआ है। मतलब कि जितनी मर्जी वर्षा हो जाए भाई ये कभी नहीं भरता भाई, ऐसी कुछ हिस्ट्री है। तो चलो ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कुछ छोटे और इस एरिया में मंदिर है, वो भी आपको दिखाते हैं, देखो कैसे हैं कैसे नहीं। तो देखो गाइस
तो गाइज अब आपको दिखाते हैं अपना भोलेनाथ, भोलेनाथ शंकर और बाबा बालकनाथ जी का मंदिर दिखाते हैं। जे हाँ मेरे पीछे तुम देख रहे हो भाई, जे है वृंदावन का रसोई का घर। तो उस साइड पे लंगर खिलाया जाता है, वो आपको जगह दिखाता हूँ क्या है, कौन सी है कौन सी नहीं। तो भाई जे है अपना वृंदावन का लंगर हॉल, जहाँ पे सभी लोगों को जो अपनी पब्लिक को होती है भाई, मतलब काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो जहाँ पे भाई लंगर खिलाया जाता है सभी लोगों को। इस समय जो अपने भगत हैं भाई जी हैं, इनका नाम है बिंदु कुमार। तो कभी गाइस आना तो मिलना, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो आई होप कि तुम भी जहाँ आना तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा जहाँ आकर। तो गाइस जहाँ अगस्त के महीने में बहुत बड़ा मेला होता है, तो गाइस तुम भी जहाँ आना तो गाइस एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, दतारपुर से जहाँ की दूरी, मंदिर की दूरी भाई ओनली ऑन 6 किलोमीटर, ओनली ऑन 6 किलोमीटर है। तो गाइस जरूर आना भाई एक बार, मैं कहता हूँ कि यार एक बार जरूर आप भी एक्सपीरियंस करना कैसा था मंदिर कैसा नहीं। तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करना है कैसा था एक्सपीरियंस कैसा नहीं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।